नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज डीके भारत न्यूज। दोस्तों, आपको मैं सच्ची घटना से रूबरू कराना जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक पत्नी जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, उसने अपने पति को ही मौत की घाट उतार दिया, नहीं करीब परवाह अपने दो बच्चों की। सबसे पहले मामले को जानते हैं, आपको मामले सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले आपकी जमीन खिसक जाएगी। यह मामला है उत्तर प्रदेश जनपद, उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा। इटावा का गांव है बीरमपुर। बीरमपुर की एक पत्नी थी जिसकी नाम था रीना, उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। उसकी 7 साल पहले शादी हुई थी, जिसके पति का नाम था कुमार। वो रिपलिंग का काम करता था, गैस के रिपलिंग का काम करता था। अच्छी खासी उसकी ज़िंदगी चल रही थी। आखिरकार उसका एक भाई था जो लखनऊ का रहने वाला था और दिल्ली में जॉब करता था, और वो इटावा में अक्सर आया जाता करता। जब रास्ते में आता था और इटावा होकर जाया करता था। उसकी जो रीना थी, उसकी वो ममेरी बहन लगती थी। उसके रिलेशन संबंध चलते थे। दोस्तों, जब भी वो आता था उसके साथ रंगलेंगिया मना के अपने घर पे जाता था। ऐसे ही दोस्तों चलता रहा। एक दिन की बात है, अभी जल्दी की ही दोस्तों, 5-6 दिन की पहले की ये घटना है, आपको बताते चलूँ। जब वो 3 दिन पहले आया था इटावा में, क्योंकि जो रीना का पति था कुमार, वो अपने बच्चों को लेकर एक शादी फंक्शन में गया था। और जब रात्रि में 12 बजे के टाइम पे वो आया और अपने अंदर गया, जब देखा, क्योंकि दोनों लोग आपत्तिजनक स्थिति में, उसका मेरा भाई और उसकी पत्नी दोनों ऊपर लेटे हुए थे, और जब छत पे लेटे हुए थे दोनों की आंखें लग गईं। दोनों आपत्तिजनक में सो रहे थे। अचानक जब उसने देखा, उसके पति कुमार ने उनको और एक संग उसका जो भाई था वो घबरा गया। दोनों ने मिलकर उसकी पहले तो गर्दन दबा दी, उसके बाद में उसे नीचे फेंक दिया और चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, हम मुझे ऊपर देखने आए थे, जीना से गिर गए, नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। आनंद फानन में लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद में डॉक्टर ने समझ लिया था कि ये मामला और कोई है, मतलब ये मौत इसकी उससे नहीं हुई है। लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। एक तरफ रीना को लोग चुप्पा कर रहे थे, क्योंकि दो बच्चों का सवाल था कि बच्चों को कौन पालेगा, बच्चों का सवाल था दोस्तों। फिर रीना का, उसका पति का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में जब निकला कि इसकी गला दबाकर मौत हुई है, फिर उसके बाद में दोस्तों, फिर जब पूछा गया, पुलिस ने सख्ती से दूसरे दिन आई, रीना को उठा ले गई और रीना से पूछा, ये बताओ तुम्हारे साथ कौन था? तो उसने कहा, मेरा भाई था, भाई ममेरा था दोस्तों, जो उसे अपने रिश्तों को कलंकित कर रहा था, उसे पता नहीं था, उसने अपने जीजा की ही जान ले ली, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों, जब उसे सख्ती से पूछताछ की थी, उसका भाई था श्रीपाल, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया, उठा लिया। जब गहरी तो पता है कि मेरे इससे अक्सर संबंध चलते थे दोस्तों, फ़ोन से बात होती थी। जब भी वो दिल्ली से लखनऊ जाया करता था, रास्ते में इटावा में गाँव में मेरे आया करता था, 2-3 दिन रुकता था और मेरे साथ संबंध बनाया करता था, उसके बाद में चला जाता था। उस दिन, क्योंकि जब कुमार ने अचानक उसे देख लिया, तब ये लोग डर गए थे। इन्होंने सोचा कि अब मैं बताओ क्या करूँ। तभी इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर प्लान लगाया, उसकी गर्दन, अपने पति की गर्दन दबा दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, क्या ऐसे लोग रिश्ते कलंकित करते हैं? इन लोगों की क्या राय है, ये क्या करते हैं समाज के लिए? अगर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जहां भी रहो, सतर्क रहो, क्राइम से बचो। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए सच्ची घटना आपके इस चैनल पर लाता रहूँगा। दोस्तों, आप लोग क्या ऐसे लोग समाज में हैं? इन लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ।